किसी सिंह ने यहाँ पे राजा दशरथ के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ किया था, और तब से यहाँ जो लिंग है, शिवलिंग है, उसको कामना लिंग कहा जाता है, जहाँ पे जो भी लोग मनोकामना लेकर आते हैं वो मनोकामना उनकी पूरी होती है। तो ये लोगों की आस्था है। सुबह अगले सुबह मध्यरात्रि के बाद से ही यहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो जमा हो गई है, और करीब बताया जाता है कि 1:30 बजे रात को यहाँ पे मंदिर न्यास के अधिकारियों के द्वारा पूजा शुरू की गई, और उसके बाद से ये आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या महत्व है इस मंदिर का? माँ कामना लिंग के नाम से प्रसिद्ध, और ये कामना लिंग राजा दशरथ पुत्र विहीन थे, और यहीं यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ से एक फल निकला, जो फल से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का पुत्र रत्न में प्राप्ति हुआ। तब से लेके आज तक ये कामना लिंग से प्रसिद्ध हैं, और पुत्र की कामना तो अधिक होती है यहाँ, और यहाँ लाखों संख्या में मुंडन होता है। जिनको जिनको पुत्र प्राप्ति होता है वो बाबा सिंहेश्वरनाथ के दरबार में धूमधाम से मुंडन करवाते हैं, और बाबा को जो भी यहाँ लोग रखते हैं, नौकरी हो जाए, या हमारा घाव ठीक हो जाए, या हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, या हमारे ये मनोकामना सिद्ध हो जाए, तो सारे लोगों को कुछ सारी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ये कामना लिंग है। और कामना लिंग हमको लगता है जो पूरे पृथ्वी पर ये लिंग 3 बार अपना आकार बदलते हैं। सुबह में काला रहते हैं, दोपहर के समय थोड़ा सा उजला टाइप में रहते हैं, और संध्या कालीन ये नीला करल के हो जाते हैं। तो 3 रूप और 3 आकार में परिवर्तन डेली होता है इस लिंग का, इसीलिए इसका खासियत ये है, और ये लिंग बहुत ही उग्र लिंग है। कब से यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो अभी तक यहाँ पे आ पहुँचे हैं पूजा के लिए? देखिए, श्रावण मास में आज जो है रात में हमने सारी जगह घूमा, सबसे अधिक लोग नेपाल और आपको पटना तरफ से, बरौनी तरफ से काफ़ी लोग आया, जो अभी हमको लगता है रात्रि में मंदिर में एक भी जगह नहीं था। लोग यत्र तत्र से लेके सारे धर्मशाला फूल था, सारे पंडाल फूल था, और मंदिर कंपास फूल था, तो लगभग 50,000 लोग रात्रि में था। तो ये जो अभी लगातार जो है लोगों का यहाँ पे आना जारी है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी है। ऋषि सिंह के तपोभूमि सिंहेश्वर धाम में